आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का सनसनीखेज बयान। टीसीएस परीक्षा पर उठाए गंभीर सवाल। टीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में धांधली का आरोप। इस वक्त उत्तराखंड में हजारों युवा पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी में हैं। 23 फरवरी यानी कल से 26 फरवरी के बीच पीसीएस मेंस की परीक्षा होनी है और इससे पहले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सनसनीखेज सवाल खड़े कर दिए हैं। बॉबी पवार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बॉबी पवार ने तीखे शब्दों में प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए मनमानी करने का आरोप लगाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बॉबी पवार ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस पीसीएस परीक्षा के लिए धामी सरकार ने बस सेवा फ्री कर दी उस पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पेपर की सील ही नहीं थी। इसकी जांच के लिए मांग की गई परंतु सरकार सत्ता के नशे में चूर है। साथ ही जानकारियां मिली हैं कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमानी की जा रही है। सचिवालय के अंदर बैठे कुछ अधिकारी उत्तर प्रदेश से कुछ युवाओं का डेलीगेशन बुलाकर परीक्षा करवाने की मांग करवाते हैं, उन्हें भी बेनकाब करेंगे। मामला तो खुलेगा ही, जितनी मनमानी करनी है कर लो, समय बलवान है, जवाब मिलना तय है। प्रदेश के बेरोजगारों और अभिभावकों को गंभीरता से इस बात को समझना होगा। बॉबी पवार का यह स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया है जब कल से पीसीएस मेंस की परीक्षा शुरू हो रही है। बेरोजगार आंदोलन की सबसे बड़ी मांग यही है कि वर्तमान में चल रही सभी परीक्षाओं को स्थगित कर सबसे पहले सीबीआई जांच कराई जाए, मगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।